अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। तो ऐसा करना साची बेटा कि तुम सारे बारातियों के लिए एक एक सोने की गिन्नी का टीका कर देना और दूल्हे के द्वारचार के लिए 11 गिन्नियां तो चाहिए और हाँ ससुर के पाव पूछने पर 10 गिन्नियों का एक बटुआ। हमारे यहाँ बहू के गहने और साड़ियाँ सबको दिखाई जाती हैं। जो भी करना वो सोच समझ कर ही करना। तुम क्यों, आप किसको एक्सपेक्ट कर रही थी? अच्छा साची जी, अगर किसी प्रॉब्लम के सिर्फ दो आंसर्स होते हैं तो आप तीसरा कैसे ढूंढ लेती हैं? मतलब ये कि सुनील की माँ ने जब कहा कि हाँ या ना में जवाब दो, मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था जब तक कि आपने वो तीसरा वर्ड नहीं कहा। बधाई। टू गुड साची जी। अरे एक हफ्ता, इतनी डिमांड्स और फिर कोर्ट केस भी सर पर है, ऐसे मैनेज करेंगे? मुझे भी ऐड कर लीजिए, एक और एक 11। साची जी आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत रात हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाओ। कल तो वैसे भी तुम्हें जल्दी उठना है। जल्दी क्यों? मेरी मदद नहीं करनी? अरे कल से सारी तैयारियां जो शुरू करनी है। कल से क्या, मैं जब तक यहाँ हूँ रोज आपकी हेल्प करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। वो कॉरेस्पोंडेंस चेक नहीं किया मैंने, वो भिजवा देना। मैं कम इन साची जी। ओ मिस्टर शर्मा, आइए ना आइए। नमस्कार। नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या लेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। बताइए कैसे याद किया? ऑब्वियसली आपसे कुछ काम था। मिस्टर शर्मा मुझे लोन चाहिए। नॉट एन इश्यू, आप तो हमारे इतने पुराने क्लाइंट हैं। बताइए कितने का लोन चाहिए? 25 लाख? Not an issue again. मैं फॉर्म्स वगैरह भिजवा देता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। ओके। और कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी? आप फिकर मत करिए सांची जी, मैं सब कुछ जल्द करा दूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। और बताइए क्या करवा रहे, रिनोवेशन या फिर फार्म के लिए मशीन इक्विपमेंट्स खरीद रहे? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरी छोटी बहन प्राची, उसकी शादी फिक्स हो गई है। Congratulations. Thank you. और लड़के वाले चाह रहे हैं कि सब कुछ एक हफ्ते में ही हो जाए, इसलिए ये लोन मैं। मतलब आपको बिजनेस लोन नहीं,
पर्सनल लोन चाहिए? जी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? या एक्चुअली दैट इज एन इश्यू सांची जी, मैं पर्सनल लोन 25 लाख तक की नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मिस्टर शर्मा, टाइम बहुत कम है मेरे पास, और फिर इतने सारे पैसे अरेंज करना, आई थॉट कि ये बेस्ट ऑप्शन था। मैंने प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। आई अंडरस्टैंड साची जी, पर बात यह है कि आपकी क्रेडिट लिमिट देखते हुए मैक्सिमम मैं ज्यादा से ज्यादा जोर लगाऊं तो भी 12 लाख से ज्यादा मैं सैंक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो मैं पूरी मदद करूंगा, फिर पैसे आप पर्सनल में घुमा दीजिए, कौन इतनी इंक्वायरी करेगा मिस्टर शर्मा। लेकिन सांची जी, बाकी पेपर्स मैं संभाल लूंगा और इंक्वायरी भी आप ही की फेवर में सेट करा दूंगा। आपका लोन हो गया समझिए, बस वक्त पर पेमेंट जरूर कर दीजिएगा, देन देयर इज नॉट एन इश्यू, मामला सेटल। नहीं मिस्टर शर्मा, झूठ नहीं बोल सकती मैं। सांची जी, मगरमच्छ अगर पानी से बैर करेगा तो जाएगा कहां? इसे झूठ नहीं, फंड मैनेजमेंट कहते हैं। आप फॉर्म्स वगैरह भरवा दीजिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मिस्टर शर्मा, मैं अपनी बहन की शादी झूठ के पैसों से नहीं कर सकती। एक तो मैं लोन ले रही हूँ और फिर झूठ भी बोलूं उसके लिए, नहीं मुझसे नहीं होगा। तो फिर सांची जी, पर्सनल लोन तो मैं 12 लाख से ज्यादा करा नहीं पाऊंगा, और वो भी 4 दिन लगेंगे। आई अंडरस्टैंड, आई गेस मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मैं 12 लाख के लिए ही अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, मैं टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। मैंने डिसाइड कर लिया, अगर सुनील से शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इस जिंदगी में ऐसे ही रहूंगी। पच्चीस लाख ये है टोटल खर्चे का हिसाब? अगर हम सुनील के माँ बाप की सारी मांगे मंजूर कर लेते हैं तो ना पैसा कहाँ से लाएंगे? डोंट वरी आची, इस प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या साची जी? आई एम श्योर वो मैनेज कर लेंगे। इस घर के हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है साची जी, लेकिन वक्त भी बहुत खराब चल रहा है, वो कोर्ट केस और पृथ्वी एंटरप्राइजेस का प्रेशर। ताई मैनेज तो कर पाएगी ना? अरे तेरी ताई क्या नहीं मैनेज कर पाती, वो बोल। कुछ भी करके, कैसा भी करके वो मैनेज करेगी, तू चिंता मत कर। तेरी शादी है ना, इसलिए तुझे पता चला, लेकिन वो तो कब से मैनेज ही करती आ रही है बेचारी। मौशी, मी कड़ू बोलते, लेकिन अब से साची के बारे में कभी कड़ू नहीं बोलूंगी मैं। हाँ, अरे जिम्मेदारी के मामले में तो खरी निकली पोरगी। हाँ अरे प्राची, ये क्या मुंह लेके बैठी है रे तू? अरे चेहरे पे उपटन लगा, चमक आएगी चमक। हाँ क्या उपटन, कल मैं उसको गोल्ड फेशियल देने वाली हूँ। अरे डायमंड फेशियल दे, आजकल पार्लर में वो ही चलता है। हाँ लेकिन हाँ, हल्दी उपटन तो करना ही पड़ेगा। याक प्राची, तू क्या कब से उस बुक में मुंह गाड़े बैठी है, जाना चाय बनाना सबके लिए बेटा। हाँ और सर ढक कर जाना और वापस आना। नानी ये देखिए, मैंने डिजाइन चूज किया, देखो कितना प्यारा डिजाइन है, देखो। ए दिखा ना मुझे, दिखा दिखा तो। हाँ
हाँ देखो आप भी देखो, बहुत बढ़िया है। अरे मौसी आप भी देखो ना, आपके लिए कुछ कशाला पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं हमारे पास। और फिर अब इस उम्र में क्या नया क्या पुराना छोड़ना, मैं तो नवी साड़ी लूंगी, बनारसी सिल्क। क्या बनारसी साड़ी बोलती रहती हैं पुलका काकू, इस बार घर में कोई बनारसी साड़ी नहीं आएगी। क्यों? और भी तो वैरायटीज है, जैसे साउथ सिल्क या महेश्वरी या फिर चंदेरी, अलग अलग वैरायटीज ट्राई करनी चाहिए उल्का काकू। अरे इस घर की पहली शादी है, सब कुछ धूमधाम से होगा, है ना? टाइम ये देखिए, मैंने डिजाइन चूज किया है। हाँ? देखो मैंने ये वाला लहंगा सिले किया आपने लिए, कैसा? अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, तुझसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हाँ। अरे आदू तूने कुछ डिसाइड किया कि नहीं, तू क्या पहनने वाला है? शेरवानी बनवाना है या फिर नया जैकेट खरीदना है तुझे? जल्दी से डिसाइड करा। और दिल्स तुमने और डीवी ने भी कुछ प्लान किया है कि नहीं? जल्दी जल्दी करो सब कुछ। आजी और नानी के लिए तो मैंने डिसाइड करके रखा है, पहले चूज कर लिया मैंने। तूने अपने लिए क्या चूज किया? हाँ नहीं आप है ना, मेरे कोई ब्राइट कलर चूज करना, आप बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड से येलो या फिर ऑरेंज, मे बी पिंक। एक्चुअली पिंक गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है ना, तो आपको भी अच्छा लगता होगा ना। लेकिन प्राची तू तो पारंपरिक नववारी साड़ी पहनेगी, ग्रीन कलर की, उसको रेड कलर की बॉर्डर, वैसी ही पहनना तू। क्या काकू इसका शादी का जोड़ा तो ससुराल से आएगा ना, मैं तो अभी सिर्फ संगीत के लहंगे की बात कर रही हूँ। What? संगीत भी होगा? Of course दिल, मेरी बहन की शादी है, सारी रस्में होंगी और पूरे ठाट बाट से, या फिर क्या कहते हो मारवाड़ी में, आन बान। आन बान से होगा। खूब छान। प्राची चाय नाश्ते का क्या हुआ? हाँ मैं बनाती हूँ। आता हूँ। अरे विश्वास व्हाट्स अप डूड, कैसा है? क्या साले तू दो दिन से पंचगनी में है और आज फोन कर रहा है? तू अभी के अभी मुझसे मिलने, मैं एड्रेस एसएमएस कर रहा हूँ, अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचा ना तबाही है बॉस, जल्दी आ। दीदी यू वेरी फनी दीदी। एक बात बता विश्वास, तुम जीवी के इतने अच्छे दोस्त हो, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? अरे ये खुद तो हमसे भागकर यहाँ पर आए पीसफुल हॉलिडे मनाने के लिए, फिर हमें भी लगा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन फिर यहाँ पर आकर इससे मिले बिना चले जाऊं ये मुझसे हुआ नहीं। आखिर जान है हमारे ग्रुप की। हमारे भी जान बन गया है ये। हाँ जान बन जाने वाली बात तो है इसमें, क्यों? हाँ यू राइट। यार विश्वास तू एक दो दिन रुक क्यों नहीं जाता? अबे यार हम एक्टर्स की लाइफ पता है ना तुझे, कल मुंबई में नरेशन है, जाना तो पड़ेगा बॉस। दिलशाद ये बहुत अच्छा एक्टर है और देखना एक दिन ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। वाओ आई एम सो एक्साइटेड दैट एक फ्यूचर सुपरस्टार मेरे घर पे। एक काम करती हूँ, मैंने ना एक स्पेशल केक बनाया था टीवी के लिए,
वो लेकर आती हूँ विथ माई स्पेशल कॉफी, ओके? तुम वो खाओगे ना दोबारा आ जाओगे यहाँ पर। दिल जरा बहुत अच्छी कुक है। तो सरकार इतने सारे दिन से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस चिल कर रहा हूँ यार, जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। जानबूझकर झूठ बोल रहा है या तुझे पता नहीं है? मतलब कि कोई ना कोई मामला तो जरूर है कि तू इतने सारे दिनों से यहाँ पर टिका हुआ है, वरना तुझ जैसा पार्टी एनिमल इस छोटे से शहर में इतने सारे दिन कैसे टिक गया? यार सुंदर शहर है, टिक गया, व्हाट्स द बिग डील? सुंदर शहर, शहर सुंदर है या कोई सुंदर लड़की मिल गई तुझे? क्या बकवास कर रहा है यार तू, तेरे दिमाग में ना पॉल्यूशन भर गया। तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा और अपना दिमाग क्लीन कर दे। क्लीन बोल्ड तो तेरा हुआ है लगता है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बात नहीं। अच्छा ये सब छोड़, ये बता इतने दिनों में किसी से दोस्ती हुई? हाँ हुई ना, बहुत लोगों से हुई। क्यों? उनमें फीमेल्स कितनी है? चार। चार? हाउ क्यूट है। उनमें से तो दो बहुत क्यूट। अब वे साले तो नाम तो बता। नानी और आजी। नानी जी और आजी? हाँ। ये सब तेरी दोस्त है? हाँ बहुत अच्छी फ्रेंड है यार। अबे साले बिलो 31 भी नहीं है क्या? नहीं। तू एक पार्टी एनिमल, हर वीकेंड पे एक हॉट डेट और फैंसी कार, तू जैसा दिल पे एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है माय फुट। साची जी आइए ना। साची जी ये मेरा फ्रेंड विश्वास है, मुंबई से आया है। हेलो। और ये साची जी है मेरी। दोस्त? हाँ। हाँ। है? वो किचन में, उसके लिए लाई थी, उसने मंगवाया था। अच्छा चलती हूँ। अरे साची जी आप कहाँ जा रही, बैठिए ना। नहीं नहीं दीदी घर पे बहुत काम है, यू नो ना। कॉफी पीकर जाइए प्लीज, कम ऑन। अरे लेकिन बैठे ना, आइए आइए। ओके। अरे ए, ए, एक सेकंड साची जी। अब बैठिए, बी कंफर्टेबल प्लीज। अच्छा हुआ साची जी आप आ गए। मैं इस इडियट से पूछ रहा हूं कि इतने दिनों से यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई जवाब ही नहीं है देने को। क्या करे, हमारा शहर इतना सुंदर है शायद इसलिए। हाँ लेकिन मैं मानता हूं कि शहर को सुंदर लोग बनाते, शहर सुंदर नहीं होते, वहां के लोग सुंदर होते, है ना? You're also right. जैसे कि आप। मैं यही कह रहा था कि ये शहर इतना सुंदर है, यहाँ के लोग, ये कॉलोनी, यहाँ के लोगों की बातें, यहाँ के लोगों का रूटीन। हाय, ए हाय साची। साची के नमकीन के साथ दिल्स की कॉफी और केक लीजिए। थैंक यू दीदी। साची जी आप मेरी कॉफी पीजिए। नहीं नहीं इट्स ओके, प्लीज टेक इट ना। हाँ हाँ साची अब ले लो ना कॉफी, डीवी मेरी वाली कॉफी पिएगा। डीवी लो लो। केक केक खाइए। नाइस नाइस ना? या। अरे साची जी लीजिए ना। ओए शायद ये केक मेरे लिए आया था। वो बा आई एम सो सॉरी विश्वास। थैंक यू साची जी, अब आप लीजिए। अरे ओके मुझे नहीं दोगे? ओह दिल्स प्लीज। थैंक यू। क्या क्या हुआ क्या? अरे साची जी आप ठीक है ना? एक मिनट मैं पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए साची। हाँ पानी पियो।
ओके? यार फाइन, ठीक है ना? विंड पाइप में चला गया। फाइन ना? आप मेरे को एक किस्सा बताता हूँ इसके बारे में। तुझे याद है डीवी, एक वीकेंड पर हम लोग वो डिस्को गए थे, वो लड़की के भाई ने तुझे पकड़ लिया था वहां पर। ओके दिल, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉफी एंड केक। अब चलती हूँ, बहुत काम है घर में। तुम भी आ जाओ ना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। हाँ मैं आती हूँ। एंड विश्वास, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। आते रहना। हाँ हाँ, अब तो आते ही रहना पड़ेगा, इतनी माइंड ब्लोइंग कंपनी जो है यहाँ पर। क्या हुआ डीवी, आंखों में कुछ चला गया क्या? ऐसे फाड़ क्या रहा है? अरे आंख में कुछ चला गया, देखो, दिखा मुझे। आई एम फाइन डीवी। चलो चलो, हम चलते हैं। चलो चलो, ध्यान रखना विश्वास। बाय विश्वास। बाय। तू ठीक है ना? क्या कर रहा है यार, मरवाएगा क्या? हाँ कुछ भी बोलता है। Are you sure तेरी आंख में जो गया था वो निकल गया? तू पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है तू? मुझे लगता है कि तेरी आंख में जो अटका था ना, वो कहीं अंदर चला गया यहाँ पर। तू क्या बोल रहा है यार, प्लीज यार कुछ भी मत बोल। जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर भाई। प्लीज ब्रो, पका मत यार। पका रहा हूँ मैं पका रहा हूँ ना तुझे। एक काम कर, चल अपनी आंखें बंद कर। अरे अपनी आंखें तो बंद कर। ठीक, अब कॉन्सेंट्रेट कर और बता के तुझे क्या दिख रहा है। यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा है। दिखेगी मेरे भाई, दिखेगी। तेरी नजर वहीं पर अटकी हुई, दिखेगी। फोकस, कम ऑन, ट्राई ट्राई। कुछ नहीं दिख रहा है यार। क्या बात कर रहा है, तुझे दिलशाद नहीं दिख रही? यू मीन साची? यस आई मीन साची। तो ये है साची का सच जो तू अपने आप से भी छुपा रहा है। यारा तूने तो अपना दिल खो दिया है। Oh, you've lost it. You have lost it, dude. तूने अपना दिल खो दिया। यार वो साची जी है, वो मुझसे बड़ी है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। पूजा करता है तू उनकी। तेरी नजर ही नहीं हटी उनसे। डीवी मैंने तुझे देखा है, कई हॉट लड़कियों के साथ देखा, लेकिन इस तरह आज तक नहीं देखा। बैड स्टोरी ब्रदर, बैड स्टोरी। या तो टाइम के रहते निकल जा, या तो फिर कूद जा, इस इश्क के दरिया में कूद जा। रे यार वो साची जी है यार, वो दोस्त है, सिर्फ मेरी दोस्त है। वो पहले तो मुझसे बड़ी है और मेरे टाइप की नहीं है। वैसे भी मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है यार, सिर्फ फ्रेंड। अच्छा, वो तुझसे बड़ी है, वो सिर्फ तेरी दोस्त है और तेरा कोई प्लान भी नहीं है ना? हाँ। तो फिर आज ही चलना मेरे साथ मुंबई। हाँ निकलते हैं, चल। दोस्तों, सही ओपिनियन दूंगा, सुनेगा? दे दे, दिए बगैर तो तू जाएगा नहीं, बोल। देख, लड़की सुंदर है, स्वीट है, सही है,
तुझसे थोड़ी बड़ी हुई तो क्या हुआ? In fact, you need a mature girl. विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तेरी बर्बादी तो कंफर्म है, तू तो गया यारा, ये चक्कर अब लंबा चलने वाला है. आजा दोस्त, मेरे गले लग जा भाई, गले लग जा. ध्यान रख अपना. Drive safe, हाँ? Yeah, man. Go for it, man. बन गई. देखो ताई, मेरी लिस्ट तो तैयार है. सिर्फ 50 फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं मेरी लिस्ट में. सिर्फ 50? दिखा. ये क्या, इनमें से फ्रेंड्स में सिर्फ 5 है, बाकी सब तो फ्री का खाने वाले हैं. और ये नीति, इसको तो कल इसने फेसबुक पे ऐड किया, आज इनवाइट भी कर लिया. बकवास मत कर. तो तू भी चुप रहे. ताई क्या जरूरत है इतने लोगों को इनवाइट करने की? ताई देखो ना कैसे बात करता है मेरे साथ. और नानी और आजी तो पूरा दिन बस खर्चे की बात करते थे. रहने दो, बुलाना ही नहीं मुझे. वेरी गुड. रुक जा. ला देखो ताई इसको. दिखा तेरी. छोड़ दे. दिखा ना. चाची, तुझे जितने लोगों को बुलाना बुला ले, और आदू तू भी अपने सारे दोस्तों को बुला. अरे बाबा, घर में पहली शादी है, इतने सालों बाद इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, पूरे जोश से मनाएंगे ना. हाँ ताई, पर जगह कहाँ है? यहाँ, यहाँ जगह बना, बाकी मैं मैनेज करूंगी ना. क्या कर रही हैं आप? अपने डायरी के पन्ने पलट रही. तेरे पापा के बचपन से आज तक का जीवन इस डायरी में कैद हो चुका है. सारी अच्छी बुरी बातें, यादें, सब है इसमें. नहीं, दिखाई मुझे, दिखाई. आजी, इसके तो पन्ने खत्म हो रहे, नहीं लानी पड़ेगी. इसलिए मुझे बहुत पन्नों की जरूरत नहीं है. ये देखो, ये रहा प्राची के शादी के लिए, एक तेरे शादी के लिए, एक आदू के नौकरी के लिए, बस फिर कुछ नहीं. इस डायरी में अंत भी मैं लिखने वाली हूँ. आज ही इतनी खुशी के मौके पर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं. जीवन अगर भरपूर जिया हो ना, तो अंत से डर नहीं लगता. धीरे धीरे इच्छाएं भी खत्म हो जाती है. तुमने देखा ही होगा, बूढ़े लोग अक्सर अपनी सारी चीजें धीरे धीरे बच्चों में बांटते हैं. ये क्या होता है मालूम है? डायरी बंद करने की शुरुआत. आजी, मैं अगर आपसे कुछ मांगू तो देंगी आप? मैं दूंगी, जरूर दूंगी. क्या चाहिए? अच्छी, वो आई के जेवर है ना, जो आपने अलग अलग हिस्से करके रखे थे, तो उसमें से मेरे हिस्से के जेवर चाहिए थे. मिलेंगे? क्यों नहीं, देवर तेरी है, जरूर दूंगी. पहनने के लिए चाहिए ना? तो फिर किस लिए? कहना अजी के राची की शादी में मुझे
जरूरत पड़ेगी उन गहनों की। नहीं दूंगी, जेवर बेचने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगी। जी, अरे ये गहने, ये जेवर, ये सब अगर जरूरत के वक्त ही काम ना आए तो फिर किस काम की है ना जी? तुझे जरूरत होती ना तो मैं दे देती, लेकिन प्राची के लिए नहीं, उसके हिस्से का गहना मैं दे चुकी हूँ। अजी, अजी सुनिए, ये गहने मैं अपनी मर्जी से प्राची की शादी में इस्तेमाल करना चाहती हूँ, प्लीज। अजी बहुत जरूरत है, वरना मैं नहीं मांगती, प्लीज अजी, प्लीज। नहीं सची, मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। अजी अजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। मैं जिद कर रही हूँ या तू कर रही है? एक बार कहा ना मैंने, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। जा यहाँ से, जा। आजी पर मुझे बहुत जरूरत है, आजी मुझे सच में बहुत जरूरत है। साची, जब बड़े एक बात कहते हैं ना तो छोटे बहस नहीं करते, ये तमीज तो मैंने तुझे सिखाई है। और तुझे किसी की सुननी नहीं है, मनमानी करनी है ना, तो मेरे जाने की प्रार्थना कर और उसके बाद जो चाहे वो कर। जी। बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।